हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सेबी के मार्जिन रूल के बारे में। हालांकि इसके ऊपर मैं पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूं, बट आज के वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसके ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हमें ये पता चल जाए कि हम कम मार्जिन से भी दोस्तों ज्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं, और कम मार्जिन से जब हम ज्यादा पैसा बनाएंगे और जब सेबी के रूल के हिसाब से जो 1 सितंबर में जब ये रूल पूरी तरीके से लागू होगा तो उनके ट्रेडिंग स्टाइल में कोई भी अफेक्ट ना आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 सितंबर से जिस तरीके से पूरी तरीके से मार्जिन खत्म हो जाएंगे, वैसे पूरी तरीके से खत्म नहीं होंगे, अब आपको 4 to 5 times की लिमिट तब भी ब्रोकर आपको देगा, बट फिर भी दोस्तों जैसे कि आपको पहले 20 times 30 times की लिमिट मिलती थी और वहां से आपको अगर 4 to 5 times की लिमिट मिलेगी तो उस वजह से आपके ट्रेडिंग स्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। अभी ये जो रूल इसलिए आया था उसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि सेबी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप डेरिवेटिव में काम ना करें, सेबी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें और आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। कई लोग क्या करते थे, फ्यूचर में डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते थे और हाई एक्सपोजर की वजह से उनका जो फंड था वो 1-2 दिन में भी कई बार खत्म हो जाता था। कई लोग ये भी मानते थे कि भाई कार्वी में जो हुआ था लास्ट ईयर, क्या कार्वी में जो हुआ था उस वजह से तो कहीं ऐसा नहीं हुआ है? तो दोस्तों कहना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्वी में जो भी फ्रॉड हुआ था उसकी वजह से मार्जिन खत्म नहीं हुए हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, जो रिटेल ट्रेडर है वो हाई एक्सपोजर की वजह से अपनी ओवर ट्रेडिंग बढ़ा लेता था, जिस वजह से उसका जो फंड था बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। और कहीं ना कहीं सेबी ये चाहता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें इक्विटी में। अब यहां पे बात ये आती है कि इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो आपका फंड पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता। अगर मैं अच्छे स्टॉक्स की बात करूं तो वहां DHFL भी था। DHFL अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो 650 रुपए के आसपास मैंने खुद इसमें ट्रेड करा है और 650 रुपए से ये एक ही दिन में 200-250 रुपए भी आ गया था। और आपको पता है कि आज DHFL की कीमत क्या है। इसी तरीके से यस बैंक अगर आप देखेंगे 2-3 साल पहले, तो ये 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं 1300-1400 रुपए के आसपास ये क्या कर रहा था, ट्रेड करा रहा था। उसके बाद ये स्प्लिट हुआ, स्प्लिट जब हुआ था तो इसका रेट था तब 350 रुपए, और आज आप देख रहे हैं कि यस बैंक की हालत क्या है। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते तो वहां पे आपका फंड खत्म हो चुका होता। यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आप मार्केट से जुड़ते हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हो चाहे आप ट्रेडर हो, तो रिस्क कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ जाता है। तो यहां पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करें चाहे इन्वेस्टमेंट करें, कहीं ना कहीं रिस्क हर जगह होता है। इवन आप चाहे हेजिंग करके काम भी करेंगे तब भी दोस्तों कहीं ना कहीं रिस्क जुड़ा हुआ होता है। तो कहना चाहूंगा कि यहां पे जो सेबी ने किया है फिलहाल अभी की मार्जिन पूरी तरीके से खत्म करे हैं, तो वहां से क्या हो रहा है कि लोगों के मन में डर है। अब कई लोग कह रहे हैं जी सितंबर से वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, मार्केट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल क्या हुआ है, 39% राइज हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शंस में दोस्तों 39% का राइज हुआ है। पहले जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते थे, इक्विटी में ट्रेड करते थे, अब वो क्या कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा टूल है, और यहां पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप काम करते हैं, ऑप्शंस में काम करेंगे, तो वहां पे आपको एक मूवमेंट भी मिलेगी और वहां से कम फंड से भी आप ज्यादा फंड बना सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि यहां से इस वीडियो से लोगों के मन में डर खत्म हो जाए। मैं आपको क्या करूंगा, यहां पे सिखाऊंगा टेक्निकल चार्ट के साथ, टेक्निकल चार्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों मैं आज की वीडियो में सिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कम फंड से हम किस तरीके से आप हाई अमाउंट कमा सकते हैं, एक बड़ा फंड दोस्तों यानी कि बड़ा जो पैसा है वो मार्केट से कमा सकते हैं कम फंड के साथ, जिसमें दोस्तों आपको एक्सपोजर यानी कि हाई मार्जिन की भी इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको कह देना चाहता हूं कि हाई मार्जिन की वजह से कहीं ना कहीं रिस्क ज्यादा बढ़ जाता, बट यहां पे कम रिस्क के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। साथ साथ कहना चाहूंगा कि जो लोगों के मन में डर है कि सितंबर से मार्जिन खत्म हो जाएंगे, और कई लोग सोच रहे हैं कि मार्केट यानी कि कहीं आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो कई लोग क्या करते हैं कि
वहां पे इमोजिस लगा देते हैं, रोने धोने वाले और बता देते हैं कि इंट्रा ट्रेडर अब खत्म होने वाला है, ट्रेडिंग अब खत्म हो जाएगी। तो कहना चाहूंगा मार्केट में नेगेटिविटी से दूर रहे और यहाँ पे सोल्यूशन पे फोकस करे। देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम की बात हर कोई करता है बट सोल्यूशन की बात कोई नहीं करता। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक सोल्यूशन भी दूंगा कि प्रॉब्लम के हिसाब से किस तरीके से आप उससे फेस करके दोस्तों आप पैसा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा मोटो एक ही होना चाहिए, वो है पैसा बनाना, चाहे पैसा कम है चाहे पैसा ज्यादा है बट पैसा आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैं आपको लेके जाऊंगा बोर्ड पे और बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन चेन आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन यानी कि हम आज की वीडियो में ऑप्शन चेन का भी यूज करेंगे, ऑप्शन चेन के साथ साथ हम टेक्निकल चार्ट का यूज करेंगे और व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कम फंड के साथ भी आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जो आते हैं जिनका फंड जो होता है 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपए के आसपास का फंड रहता है, उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है, वो कह रहे हैं कि भाई इस फंड से हम किस तरीके से आप अपना फंड बढ़ा सकते हैं। देखो एक चीज और है, जिसके पास ज्यादा फंड है, जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ है, वो तो हैच करके अगर महीने का 1% भी कमाएगा तो उसके लिए वो बहुत है। बट आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं और 10,000 रुपए का दोस्तों अगर आप 1% कमाएंगे तो वो कितना होगा, उससे आप कहेंगे या 10,000 से जो 1% मैं इसमें कमा रहा हूं, अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 100 रुपए का मैं फिलहाल करूंगा क्या। तो कहना चाहूंगा कि जिसके पास फंड 1 करोड़ है 2 करोड़ है, उसके लिए अगर 1% 2% दोस्तों 1-2 लाख रुपए होता है तो मेट्रो सिटीज में दोस्तों 1-2 लाख रुपए कमाना, अगर कोई बंदा 1-2 लाख रुपए कमा रहा है तो बहुत अच्छी तरीके से अपना अपना गुजारा कर सकता है। बट जिसके पास फंड ही 10,000-15,000 रुपए है तो वहां पे वो हैज कर नहीं सकता। तो हैज ना करके मैं आपको बताऊंगा कि आप नेकेड पोजिशन बना के भी मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। देखिए रिस्क हैजिंग में भी होता है, ऐसा नहीं कि रिस्क हेजिंग में नहीं होता, रिस्क हेजिंग में भी होता है बट वहां पे कम रिस्क होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हाई रिस्क है। और कहना चाहूंगा कि रिस्क ना लेना भी रिस्क लेना ही होता है, तो रिस्क लीजिए बट रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए और टेक्निकल चार्ट के साथ लीजिए। तो अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली बोर्ड पे लेके जाऊंगा और वहां पे आपको समझाऊंगा कि अगर मार्जिन पूरी तरीके से खत्म होते हैं तो आप किस तरीके से ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे ना दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट नहीं करते आप लोग, ये बड़ी शिकायत है मेरी आपसे, कमेंट भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। तो यहां पे क्या करते हैं, आप सीधा जाते हैं बोर्ड पे और मैं आपको बोर्ड पे आपको समझाता हूं। तो यहां पे देखेंगे, आज मैंने व्हाइट बोर्ड लिया है और व्हाइट बोर्ड में यहां पे हम आपको समझाते हैं। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, पहले ऑप्शन चेन आपको दिखा देता हूं, फिर ऑप्शन चेन के साथ साथ मैं आपको बोर्ड पे भी समझाऊंगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले आपको ऑप्शन चेन ही दिखा देता हूं। तो यहां पे हम जाते हैं एनएससी की ऑप्शन चेन पे। तो ये हमारे पास क्या है, एनएससी की ऑप्शन चेन है, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके आप यहां से जाके चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम मानते हैं कि भैया मेरे पास फंड है 10,000 रुपए का, तो बार बार हम इसको शिफ्ट करते रहेंगे। तो यहां पे देखेंगे मेरे पास है फंड 10,000 रुपए और मैं मार्केट से स्टार्ट करना चाहता हूं, ठीक है, मैं मार्केट में स्टार्टिंग करना चाहता हूं। देखो स्टार्टिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, अब आपको नॉलेज है, मान लो आप मार्केट में आपको 1 साल हो गया 2 साल हो गया, आपको टेक्निकल भी आता है और ऑप्शन भी आता है। यहां मैं बात कर रहा हूं सीखने के बाद का प्रोसेस, ऐसा नहीं मेरे को आता कुछ नहीं हो मैं सीधा मार्केट में आ गया और 10,000 रुपए लेके आ गया कि भाई मैं इसे 10 के 20 करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की गैम्बलिंग या फिर सट्टेबाजी को प्रमोट नहीं कर रहा, यहां मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन के बाद का प्रोसेस, जब आपको टेक्निकल भी आता होगा, जब आपको ऑप्शन भी आता होगा। अब हम यहां पे करते हैं कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है और मैं 10,000 रुपए से स्टार्ट करना चाहता हूं, मुझे टेक्निकल भी आता है और ऑप्शन भी आता है। तो यहां पे जाएंगे वापिस से यहां पे ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन से पहले हम क्या करते हैं, पहले यहां टेक्निकल चार्ट भी आपको दिखा देते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि ये तरीका दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं जिसमें आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब हम मानते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडमली स्टॉक उठा लेते हैं, यहां पे LIC हाउसिंग का चार्ट है, यहां पे हमने ओपन कर लिया। अब यहां पे हम देखते हैं यहां पे या फिर एक काम करता हूं निफ्टी का चार्ट यहां पे ले लेता हूं मैं, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा, और इस एरिया को करते तो थोड़ा सा जूम। अब यहां पे देखते हैं कि यहां पे मैंने क्या डेली चार्ट लिया, अब आप ये स्ट्रेटेजी डेली के चार्ट में भी ले सकते हैं, चाहे आप क्या कर सकते हैं आप अवर्ली चार्ट पे भी काम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अवर्ली चार्ट पे काम करें, क्योंकि जब आपके पास फंड कम होता है तो कोशिश ये करिए कि आप इंट्राडे में ट्रेड बनाएं और आपको लगता है पोजीशन आपके फेवर में है तो आप उस पोजीशन को कैरी करके प्रॉफिट की राइडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में सब कुछ नहीं होता, कई बार बड़ा पैसा होल्डिंग में भी बनता है, तो वो भी मैं आपको यहां पे आगे समझाऊंगा। तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहां पे हमने देखा कि ये निफ्टी जो है
यहाँ पे अगर बात करेंगे निफ्टी जो है यहाँ पे उसने एक पैटर्न बनाया है, तो मैं इस एरिया को थोड़ा सा क्या करता हूँ मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देखो ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ये टेक्निकल के बाद की चीजें हैं, जब आपको टेक्निकल भी आता होगा जब आपको ऑप्शन भी आता होगा। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी जो है यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया जिसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पियर्सिंग पैटर्न। अब इस पैटर्न के हिसाब से हमने देखा कि यार जो निफ्टी जो है वो 14,512 यानी कि मैं आपको पुराना चार्ट दिखा रहा हूं यहाँ पे, अभी फिलहाल जो निफ्टी का रेट है वो 14,823 का है। हमने देखा कि यार 14,512 पे निफ्टी तेज है और हमने देखा कि इसका जो एसएल है वो है 14,200 रुपए का। तो हमने देखा कि यार यहां से निफ्टी जो है उसमें 300 पॉइंट्स की तेजी आएगी, 300 पॉइंट्स की तेजी आएगी जो यहाँ पे आई भी थी। तो हम क्या करते हैं कि यार एक काम करते हैं यहां से पोजीशन बाय बना लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि भैया या तो मैं फ्यूचर में ट्रेड बना लूं, फ्यूचर में क्या करूंगा कि मैं डायरेक्टली निफ्टी का एक लॉट बाय कर लूंगा, बट भैया निफ्टी के एक लॉट बाय करने के लिए जो फंड आपको चाहिए यानी कि जो मार्जिन लगता है वो है 1.5 लाख के आसपास का, तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है, कहता है यार मैं तो फिर एक काम करता हूं मुझे तेजी लग रही है तो मैं सेफ ट्रेडिंग के लिए मैं क्या करता हूं यहां पे इसकी पुट राइटिंग कर लेता हूं। अब पुट राइटिंग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, फिर वहां से आपको पूरा मार्जिन देना पड़ेगा। अब सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है कि यार क्या करता हूं मैं ना इसकी कॉल बाय कर लेता हूं। तो आपने देखा कि यार मैं 14,500 की कॉल बाय कर लेता हूं, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे अब डायरेक्टली ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो यहां पे जाते हैं और यहां पे निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि भैया यहां पे मैं दिखा देता हूं दोस्तों आपको, 14,500 का रेट चल रहा था और 14,500 के हिसाब से इसका जो यहां पे अगर आप देखते हैं इसका प्रीमियम कितना चल रहा था, 516 रुपए के आसपास। एक काम करता हूं मैं ना आपको डायरेक्टली बोर्ड पे जाके बोर्ड पे आपको समझाऊंगा एग्जांपल के साथ। तो यहां पे जाते हैं बोर्ड पे और बोर्ड पे ही मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो यहां पे देखते हैं कि हमने देखा कि 14,500 रुपए पे निफ्टी का जो प्रीमियम था वो चल रहा था एट द मनी का, हमने देखा जी 350 रुपए, कितना था 350 रुपए। अब हमने देखा यार 14,500 रुपए 350 रुपए क्या है उसका प्रीमियम है, और मैं यहां पे जो बात करो वो करो मंथली एक्सपायरी की। ये देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रेड करें, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और बोलना चाहूंगा कि जब भी आप काम करें तो वीकली से बेटर यह है कि अगर देखो आपको ऑप्शन राइटिंग करनी है तो वीकली में कर सकते हैं, बट अगर आपको जब ऑप्शन बाइंग करनी होती है ना तो मंथली वाली एक्सपायरी की बाय करें, यानी कि मैं कहना चाहूंगा कि मंथली वाली जो ऑप्शन है उस पर काम करें वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक तो प्रीमियम उसका महंगा होगा। अब आप बोलेंगे भैया मेरे को तो सस्ते में काम करना, बट मैं वो बोलूंगा कि महंगे वाले पे काम करो क्योंकि उसमें टाइम होता है और उसमें थीटा डीके इतना जल्दी होता नहीं है, क्योंकि वीकली वाली का थीटा बहुत जल्दी डीके हो जाता है अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं और मार्केट मूवमेंटम अगर मान लो उसमें मूवमेंट नहीं होती, पूरे एक वन वीक मूवमेंट नहीं होगी तो वहां पे पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और लोग यही गलती करते हैं, लोग क्या करते हैं वो वीकली एक्सपायरी पे बाइंग करना चालू कर देते हैं, वो सोचते हैं कम प्रीमियम है और वहां पे अगर मूवमेंट नहीं हुई अगेंस्ट हुई तो भी नुकसान है, अगर मूवमेंट नहीं भी हुई तब भी वैल्यू जीरो हो जाती है। और उसमें भी वो क्या करते हैं ओटीएम खरीदते हैं और क्या होता है कि वहां पे क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, इसलिए उन्हें बड़ा नुकसान होता है। तो हमेशा आप ये करिए कि मंथली वाले पे काम करें। अब आपने देखा कि 14,500 रुपए पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी जाके बढ़ के कितना हो जाएगा 14,850 रुपए हो जाएगी। अब 850 हो जाएगी और हमने देखा कि 14,500 वाली एट द मनी का जो रेट है वो कितना 350 रुपए के आसपास है। तो यहां पर अगर हम काउंट करें, यहां पर अगर हम देखते हैं एक लॉट में कितना पैसा लगेगा इसमें, तो यहां पर हम काउंट करते हैं 350 × 75, तो यहां पे आपका कितना पैसा लगेगा 26,250। अब आपने देखा यार 26,250 रुपए लग रहे हैं भैया एक कॉल बाय करूंगा, तो एक काम करता हूं मैं क्या करता हूं, मैं फिर क्या करता हूं थोड़ी सी ओटीएम खरीद लेता हूं, ओटीएम यानी कि मैं क्या करता हूं 14,600 वाली ले लेता हूं, 14,600 वाली। हालांकि मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप आईटीएम खरीदिए, बट आपके पास फंड क्या है बहुत ही कम है, ठीक है, फंड क्या है आपके पास कम है। अगर आप एक चीज और बोलेंगे कि भैया मेरे पास तो 10,000 रुपए, आप डायरेक्टली ऑप्शन में काम करा रहे हैं, अगर एक भी अगर मान लो मेरा एसएल कट जाता है तो वहां पे तो मेरा नुकसान बड़ा हो सकता है, यानी कि मेरा पूरा फंड भी खत्म हो जाता है। तो यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि जरूरी नहीं आपका फंड कम हो, यहां पे मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि किस स्ट्रेटजी पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है ना, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये वीडियो अगर आपने देख ली ढंग से तो पैसा कमाना तो आपको आ जाएगा, ये तो मैं गारंटीड आपको कह रहा हूं। अब आपने देखा कि एक काम करता हूं 14,600 वाली ले लेता हूं, उसका रेट मान लो चल रहा है जी मान लो कि 300 रुपए या 250 रुपए चल रहा है, ठीक है, मान लो आप 250 रुपए वाला प्रीमियम आपने क्या करा यहां पे बाय कर लिया 250 रुपए पे, ठीक है 14,600 पे।
अब 14,600 वाला स्पॉट प्राइस का प्रीमियम 250 रुपए चल रहा है और आपने ले लिया। मैं ये नहीं देख रहा कि 15,000 रुपए लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं उसमें, मैं कह रहा हूं जी आपने ले लिया, ठीक है, इसका 200 रुपए रेट चल रहा था या जो भी रेट था, आपने यहां पे बाय कर लिया। अब आपने बाय कर लिया, अब आपने देखा कि अब मैं यहां पे जो बाय करूंगा, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा एसएल तो है नीचे का, बट मैं क्या करूंगा जब भी मार्केट ओपन होगी, यानी कि अब मैं क्या करता हूं, अब डायरेक्टली लेके जाऊंगा चार्ट पे। आपको चार्ट पे हम देखेंगे, ये देखेंगे यहां पे चार्ट पे, अब मैं इस एरिया को यहां पे इस तरीके से कर देता हूं थोड़ा सा जूम। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी जो मैं आपको समझा रहा हूं। आपको पता है कि यहां पे क्या है कि इसके इस लेवल के ऊपर मुझे क्या करनी है, अपनी पोजीशन बाय करनी है। अब जैसे ये कैंडल ओपन होगी तो आप क्या करेंगे, जो लो बना है इस लो का आप क्या लगाएंगे, एसएल लगा देंगे। अब मान लो कि आपने देखा कि आपने 200 रुपए पे प्रीमियम बाय करा और जैसे ही मार्केट पॉजिटिव हुई, आपको पता है कि वैसे इसका एसएल बहुत बड़ा है, इसका एसएल कितना है, 14,150 का है। अगर मार्केट 14,150 अगर यहां से नीचे आ जाती है या फिर यहीं पे कंसोलिडेट होती है तो ये वैल्यू जो होगा आपकी जीरो हो जाएगी। आपका जो 13,000-14,000-15,000 का फंड है, जो भी इसमें लगेगा 15,000 के आसपास का फंड लगेगा इसमें, वो आपका जीरो हो जाएगा। बट यहां पे आपको क्या करना है, मैं आपको एक स्ट्रेटजी आपको समझाना चाहूंगा कि जब भी मार्केट ओपन होगी तो जो इसका लो है, इस कैंडल का लो है, उसका आप एसएल लगा के क्या करेंगे, यहां पे बाय कर लेंगे। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली बोर्ड पे लेके जाऊंगा और आपको समझाना चाहूंगा। देखिए यहां पे जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं ना, बिल्कुल ध्यान से समझना, तो मैं सब कुछ कर देता हूं डिलीट और यहां पे आपको दोबारा से समझा देता हूं। अब हमने देखा 14,200 वाली कॉल आपने खरीदी कितने पे, 200 रुपए पे, ठीक है। अब यहां पे क्या करा, मार्केट क्या हुई, इस तरीके से चल रही थी और यहां पे पैटर्न बना जिसको बोलते हम पियर्सिंग पैटर्न। अब यहां पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद इसका लो क्या था, जो भी इसका लो था, और आपने देखा कि यार लो कि ये ओपन हुआ 14,000 मान के चलो कि 550 रुपए पे ओपन हुआ, ठीक है, और इसका लो क्या 14,500 रुपए के आसपास इसका लो है आज का, या फिर 450 का लो है। अब जैसे ये कैंडल बुलिश होगी आपने देखा, तो क्या करोगे कि यहां पे आप देखोगे कि इस प्रीमियम का, यानी कि जो भी लो था, मान लो इसका लो था 170 का। अब देखो क्या होता है कि जब आपने 14,200 वाली कॉल बाय करी थी, तो जब 200 वाली कॉल बाय करी थी तो उसका डे लो तो कुछ ना कुछ होगा, डे लो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना उसका, क्योंकि देखिए हम मैं आपको ये स्ट्रेटजी जो सिखा रहा हूं वो ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आपका रिस्क बहुत कम होगा बट आपका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो सकता है यहां पे। तो आपने देखा कि भैया इसका लो आज का कितना 170 का है, हम बड़ा एसएल नहीं लगाएंगे क्योंकि डेली चार्ट पे बड़ा एसएल लगाएंगे और मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट हो गया तो वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहां पे हमारे पास फंड कितना है, 10,000 या फिर 15,000 फंड है, बहुत कम फंड है और हम एक ट्रेड में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। पता चला आप आए बड़ी मुश्किल से 10-15 हजार में जोड़ के, घर वालों से लेके, किसी दोस्त से उधार लेके, जो बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, या फिर अपनी सेविंग से, और एक ही ट्रेड में जीरो हो गया। आपकी सारी जो ख्वाहिशें थी, जो आपकी प्लानिंग थी, वो एक ट्रेड में तो दोस्तों मैं जीरो नहीं होने दूंगा, मैं वैसे जीरो होने ही नहीं दूंगा, बल्कि कोशिश करूंगा कि एक 10,000 रुपए आप 1,00,000 रुपए तक कैसे करें। तो यहां पे देखोगे कि भैया डे लो कितना 170 का है, आपने 200 रुपए पे बाय कर लिया, आपको पता है इसका टारगेट कितना 14,850 का है। अब आप क्या करो, इसको राइट कर लो, राइट कर लो। अब क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, मार्केट तेज हो गई, मार्केट ने क्लोजिंग कर दी जी उस दिन 14,650 पे, ठीक है। जब आपने लिया था इसका डेल्टा होगा कितना, 0.54 के आसपास होगा, क्योंकि आपने ओटीएम लिया है। अब जब ये 14,650 रुपए हो जाएगा या फिर वहां से बढ़ जाएगा तो वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी 0.4 डेल्टा से। तो यहां पे इसमें जो तेजी आई अगर मैं बात करूंगा तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 240 रुपए के आसपास। तो जब ये 240 रुपए हो जाएगी तो क्या करेंगे, ये जो एसएल है जो 170 का था वो कर देंगे आप कॉस्ट टू कॉस्ट का, और वहां से क्या करेंगे आप अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। अब इसका डेल्टा क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा बढ़ जाएगा क्योंकि अभी रेट क्या हो चुका है, 14,650 का हो चुका है। और आपने क्या करा है, कौन सी वाली कॉल ली है, वो ली है आपने जो मैंने आपको बताया था, वो 14,600 वाली कॉल आपने ली थी वहां पे। तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे 14,200 वाली आपने कॉल ली थी। एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, 14,200 वाली नहीं, 14,600 वाली कॉल आपने ली होगी, क्योंकि 14,200 तो क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। अगर मेरे से थोड़ी हो सकता है कि कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, 14,600 वाली, क्योंकि 14,500 वाला क्या होगा वो एट द मनी होगा, 14,600 क्या होगा वो ओटीएम होगा। अब यहां पे इसका डेल्टा क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, यहां लो कि यहां से 14,700-14,800 तक चली जाती है मार्केट, तो इसका डेल्टा भी बढ़ जाएगा और ये जो वैल्यू है दोस्तों वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगी, यानी कि वैल्यू जो होगी इसकी 350 या फिर यहां से
₹400 तक जा सकती है। आशा कर रहा हूं यहां तक आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूं कि वैल्यू बढ़ेगी और वो कितनी हो जाएगी, ₹14,800 तक जब ये हो जाएगा, इसका टारगेट आएगा, तो वही चीज जो ₹200 पे आपने ली होगी वो हो जाएगी दोस्तों ₹400 के आसपास, हो सकता है इससे भी ज्यादा इसका रेट हो। अब आपने देखा भी, मैंने ₹200 पे खरीदा था, ₹400 रेट हो गया, और जो आपने फंड लगाया था मान लो 15,000 के आसपास, 10,000 15,000, वो दोस्तों बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 15,000 पे और ऐड कर दूंगा तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी ₹30,000। अब यहाँ पे ₹30,000 जो आपका फंड होगा, और आपने ₹200 पे जब लिया था इसे, बाय करा था, इसका एसएल जो लगाया था वो कितना था, 170 के आसपास का था, यानी कि आपका जो रिस्क था इस ट्रेड में वो कितना था, ₹2,000 के आसपास का था, क्योंकि लो के एसएल से आपने काम किया था, और आपका रिवॉर्ड कितना मिला दोस्तों, 15,000 के आसपास। तो कहना ये चाहूंगा दोस्तों कि यहां पे अगर आप इस स्ट्रेटजी से काम करते हैं तो आपका पैसा बन सकता है। कई लोग बोलेंगे कि यार ये कैसी स्ट्रेटजी बताई आपने, इस स्ट्रेटजी से तो पैसा जरूरी, ऐसा भी तो हो सकता है एसएल कटे, बिल्कुल हो सकता है इसमें एसएल कटे, बट कहना चाहूंगा जब मार्केट वन साइडेड हो जाता है, जब देखिए ऑप्शन बाय क्यों करते हैं, ऑप्शन बाय तब करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट वन साइडेड है, जब मार्केट वन साइडेड है तो वहां पे आपको एसएल लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कोशिश करें डे हाई डे लो के एसएल से काम करेंगे तो वहां पे एक बार ये भी हो सकता है कि एक दो बार आपके एसएल टच करके वापस से उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में आपका टारगेट है, तो वहां से आप दोबारा से अपना ट्रेड बना सकते हैं। बट यहां पे मैं आपको ये स्ट्रेटजी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे आपका फंड कम है, आपके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, और मैं नहीं चाहता कि आप यही पैसा खोए, तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे डे लो के एसएल से अगर आप काम करते हैं तो डे लो के एसएल से अगर आपको लगता है कि आपको कॉल बाय करनी चाहिए और आप डे लो के एसएल से काम करते हैं तो दोस्तों अगर मार्केट में आपका टारगेट आ जाता है तो वहां से क्या होता है, एक तो ये चीज हो जाएगी कि आप अपना जो एसएल है उसे ट्रेल करते रहो, जब मार्केट यहां से ₹300 आएगा तो एसएल ₹200 कर लो, जब ₹400 जाएगा तो एसएल क्या कर लो यहां पे ₹300 का लगा लो, तो एसएल भी क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं, यानी कि अगर मार्केट वापस नीचे भी आता है तो एटलीस्ट आपका एसएल कटे बट आप क्या हो, प्रॉफिट में हो। तो आपको इसी स्ट्रेटजी का यूज करके आपको बड़ा पैसा कमाना है। देखिए मैटर ये नहीं करता आपके पास फंड ज्यादा है या कम है, मैटर ये करता है कि आप जब सही हैं उस ट्रेड में आप क्या कमा रहे हैं। ऐसा नहीं, कई लोग बोलते हैं जी मेरे पास तो 50 लाख का फंड है, कोई कहेगा 6 लाख का फंड है, कोई कहेगा 20 लाख का फंड है, तो मैं कितना पैसा मार्केट में कमा लूंगा। ऐसा नहीं है, जो बड़े फंड होते हैं उनका भी बड़ा बड़ा नुकसान होता है, और जो छोटे फंड होते हैं दोस्तों वो भी मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट का यूज करके दोस्तों बड़ा पैसा कमा सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, देखो एक चीज है, अगर आपके पास बड़ा पैसा है मार्केट में, आप 5-10 लाख 20 लाख रुपए लेके बैठे हैं और उसमें अगर आप 4-5 हजार 10 हजार रुपए कमा भी नहीं है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट जिसके पास 10-20 हजार रुपए फंड है और वो 10-20 हजार को 2 लाख 2.5 लाख में कन्वर्ट करता है दोस्तों, वो है बड़ा ट्रेडर। देखिए दोस्तों जो नीचे से ऊपर जाता है ना, मैं हमेशा उसी आदमी की रिस्पेक्ट करता हूं और आपको भी उसी तरीके से करना चाहिए। देखिए मैटर ये नहीं करता कि फंड मेरे पास कम है, मैटर ये करता है कि आपकी अप्रोच क्या है, और इसी स्ट्रेटजी का यूज करके मैं भी ट्रेड करता हूं। मैंने भी दोस्तों आपको पता है कि 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए से अभी 1.5 महीना पहले चालू करा था, हालांकि ट्रेड में काफी टाइम से कर रहा हूं, नए ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करा के मैं काम कर रहा था, उस फंड को मैं 25 लाख तक भी ले गया था 1 महीने के अंदर सिर्फ इसी स्ट्रेटजी से। और इसका जो भी अकाउंट स्टेटमेंट है मैंने एक वीडियो में दोस्तों वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला भी है। तो मैं भी ये चाहता हूं दोस्तों आप भी इसी तरीके से काम करें। अब यहां पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि अब हम जाते हैं यहाँ पे देखेंगे कि यही स्ट्रेटजी आप पुट के ऑप्शन में, पुट में भी काम कर सकते हैं और यहाँ पे आप अवर्ली चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूं, यहाँ पे देखेंगे इधर हम निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे, इस एरिया को थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ या फिर थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे क्योंकि देखिए बैक टेस्टिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना बैक टेस्टिंग आपको काम नहीं करना। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने देखा कि निफ्टी में यहाँ पे एक पैटर्न बना जिसको बोलते हैं हम क्या, शूटिंग स्टार, और इसके हिसाब से क्या है यहाँ पे पोजीशन सेल बनती है इसकी और स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि भैया मैंने देखा कि यार मेरे को लग रहा है कि यार निफ्टी जो है 15,350 के नीचे वीक है और मेरा जो एसएल है वो 15,430 रुपए का है, तो यहाँ पे आपके पास फंड कितना है, आपके पास फंड है जी 10-20 हजार रुपए के आसपास का। अब आप क्या कर सकते हैं भैया, निफ्टी का फ्यूचर तो बेच ही नहीं सकते, तो यहाँ पे आप क्या करिए, आप डायरेक्टली इसकी पुट बाय कर लीजिए। अब आप पुट बाय कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने देखा कि भैया मेरे को लग रहा है कि 14,300 से मुझे लग रहा है कि वीक है, आपने क्या करा यहाँ से, सॉरी 15,300 से आपको वीक लग रहा है और आपने क्या करा यहाँ पे 15,400 वाली कॉल क्या करी आपने, सॉरी पुट क्या करी आपने, वहां पे आपने बाय कर ली
15,400 वाली या फिर आपने क्या करा 15,200 वाली क्या करी पुट आपने बाय कर ली, जो भी रेट था उसका, मान लो उसका रेट चल रहा था वहां पे 300 रुपए के आसपास का या 200 रुपए के आसपास, आपने बाय कर ली। अब आपने बाय करी, आपने क्या करा इसका यहाँ पे एसएल लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, इसका छोटा सा एसएल है तो यहाँ पे आपको उस कैंडल के हाई का एसएल नहीं लगाना, आपको क्या करना है वहां पे जो एसएल एक्चुअल में बनता है फ्यूचर में उसका आपको एसएल लगा देना है। मान लो इसने आपने बाय करा 300 रुपए पे और इसका जो एसएल बनता है यानी कि इसका जो डे लो है यानी कि जो इसका हाई था वो इसका लो होगा, मान लो इसका लो है 220 रुपए का, तो आप क्या करें यहाँ पे 220 का एसएल लगा के आप इसे पोजीशन को होल्ड करिए और देखिए उसके बाद मार्केट कितनी तेजी से नीचे गिरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा राइड आप ले लेंगे, बट अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट हो जाते हैं और अगर आपने यहाँ पे 200-250 पॉइंट भी अगर आपने यहाँ पे एक ट्रेड में ले लिए तो वहां पे भी आपका जो यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूंगा प्रॉफिट है वो डबल हो सकता है। तो कोशिश करिए कि दोस्तों पैसा कम देने की मार्केट में और पैसा ज्यादा मार्केट से लेने के, तो ये स्ट्रेटेजी पे अगर आप काम करेंगे तो आप पैसा बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप निफ्टी के ऑप्शन चेन का भी यूज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन का यूज भी करना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में स्ट्राइक क्या चल रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक पता चल जाएगी कि 15,400 का एक्चुअल में रेट क्या चल रहा है, ठीक है जी। और उस रेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी आईवी कितनी चल रही है, इसका डेल्टा क्या है, ये सारी चीजें क्या है कि आपको निफ्टी के ऑप्शन चेन में पता चल जाती है। तो यहाँ पे आप जब भी ट्रेड करें, जब भी आप ऑप्शन बाय करें, ऑप्शन सेल करें, तो निफ्टी के ऑप्शन चेन का हमेशा यूज करिए। आपको पता चलेगा हर स्ट्राइक पे उसका प्रीमियम कितना चल रहा है और यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, आईवी चेक कर सकते हैं, इसमें आस्क प्राइस और बिड प्राइस, ये सारी चीजें दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी महत्व काफी ज्यादा इसमें बढ़ जाता है। तो यहां पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप निफ्टी के ऑप्शन चेन का भी यूज करिए और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो दोस्तों आपका पैसा बड़ा बन सकता है। अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप बोलेंगे कि भैया मेरे पास तो 10,000-15,000 रुपए हैं और मैं ऑप्शन में काम नहीं करना चाहता, मैं इक्विटी में काम करना चाहता हूं, अगर आप इक्विटी में काम भी करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि आप अगर आपको कोई लेवरेज नहीं मिल रही है, अब इंट्राडे में आपको 5 times मिल रहा है, डिलीवरी में आपको कोई भी किसी भी तरीके की लेवरेज नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जितना पैसा है उतने के ही आप शेयर ले पाएंगे। तो वहां पे क्या होता है कि मतलब इतना ज्यादा पैसा आपका बनता नहीं है और कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट मार्केट में खोने लग जाता है। देखिए क्या होता है ना कि जब आप ट्रेड करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट रहती है, जब आप कोई ट्रेड बनाते हैं आपको प्रॉफिट होता है, आपको लॉस होता है, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट रहती है जिसकी वजह से आपको मार्केट इंटरेस्टिंग लगती है। बट जब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट मार्केट में खोने लगेगा। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके या फिर ऑप्शन का यूज करके आप बड़ा पैसा मार्केट में बना सकते हैं, बट ये कब का प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जब आपको टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन आता हो। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल या ऑप्शन का कोर्स ले सकते हैं जिसकी फीस मात्र 8,000 रुपए है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलडीवी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी सिखाई जाती है। कहना चाहूंगा वीडियो का कोर्स और कॉन्टेंट बहुत अच्छा है और संडे को हम वेबिनार करते हैं लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट में जब वेबिनार करते हैं तो लाइव मार्केट में भी आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूंगा हर संडे हम फ्री वेबिनार के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूंगा हम आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल देते हैं, तो पे आपको वन टाइम करना है, वीडियो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, और आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो सपोर्ट है वो भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। आपको जब भी किसी भी तरीके कोई भी डाउट हो मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप। तो यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों मेरे जो भी ट्रेड होते हैं वो चॉइस ब्रोकिंग और एंजल ब्रोकिंग के साथ होते हैं, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो हर संडे मैं आपको लाइव वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, और कोशिश करूंगा आने वाले टाइम पे कि लाइव मार्केट में भी मैं वेबिनार रखूं जिसमें मैं अपने कोर्स के स्टूडेंट्स और जो जिन्होंने हमारे थ्रू हमारे लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कराया उनको मैं लाइव मार्केट में भी वेबिनार दूं जिससे वो अपना प्रॉफिट कर सके। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं, आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।